जी हाँ दोस्तों, अब हम सब जा सकते हैं यूरोप। हाय दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल अपने जॉब्स को। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज मैं जिस कंट्री के बारे में बात करने वाला हूँ, इस कंट्री का नाम है सर्बिया। तो सर्बिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप जाकर जॉब कर सकते हैं, जहाँ पर जाकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं और आपको किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली जा सकते हैं और ना ही आपको किसी जॉब को ढूंढने की ज़रूरत है। आप डायरेक्टली जाएं और वहाँ पर जाकर देखिए जॉब फाइंड कर सकते हैं। आपको इंडिया से किसी जॉब ऑफर लेटर को लेकर एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक प्लस पॉइंट है इस कंट्री का। तो ये जो कंट्री देखिए, इंडियंस के लिए फ्री वीज़ा है, यानी आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस कंट्री में डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, पर एक प्रोसेस है और प्रोसेस क्या है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, इस कंट्री में देखिए काफ़ी सारी वैसे जॉब डिमांडिंग में रहती है, जैसे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, फूड मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर में और अलग अलग सेक्टर्स में देखिए काफ़ी सारी जॉब आप लोगों को मिल सकती है। और जो यहाँ पर सैलरी देखिए मोस्टली मिलती है वो लगभग आपको 70 से 80 हज़ार रुपये आसानी से मिल जाती है। कंट्री जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। काफ़ी इंडियन ऐसे हैं जो इस कंट्री में जाकर सेटल हो चुके हैं और वहाँ पर जाकर देखिए काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और लाखों रुपये कमा रहे हैं। और एक मैं आपको प्लस पॉइंट और बताऊँ दोस्तों, देखिए अगर आप लोग बाय ऑफिस भी इस कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, अगर ऑफिसेज में देखिए जॉब्स आती हैं सर्बिया के लिए, तब भी देखिए आपका जो वीज़ा चार्ज होता है वो 1 लाख रुपए तक लगता है। तो ज़्यादा वीज़ा कॉस्ट इस कंट्री के लिए नहीं लगती है। कंट्री जो है यूरोप के अंदर है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये कंट्री है। इसके आसपास ही कंट्री भी देखिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके आसपास की जो कंट्री जैसे रोमानिया है, पोलैंड है और नॉर्वे, काफ़ी सारी देखिए कंट्रीज है जो इसके आसपास ही कंट्री है। तो इस कंट्री में आपको किस तरह से जाना है, किस तरह से आपको जॉब मिलेगी, सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कंट्री जो है वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए, आपको किसी वीज़ा को लेने की ज़रूरत नहीं है। बट देखिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और आपको देखो किस तरह से इस कंट्री में एंटर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपके पास में देखिए एक पासपोर्ट ज़रूर होना चाहिए, और जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है तो फटाफट अपना पासपोर्ट बना लें, और जिनके पास पासपोर्ट है तो उन सभी लोगों के लिए एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा चांस है, वो लोग इस कंट्री में जा सकते हैं और जाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। देन सेकंड जो थिंग है वो ये है कि आप इस कंट्री में एज ए वर्कर नहीं जाओगे, आपको जाना है एज ए टूरिस्ट। तो आप एज ए टूरिस्ट इस कंट्री में जाओगे, देन उसके बाद में वहाँ पर जाकर काफ़ी सारी जॉब्स होती है, आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। किसी वीज़ा की देखिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ हमें ये वीज़ा लेना पड़ रहा है, ये वीज़ा लेना पड़ रहा है। तो आपको एज ए टूरिस्ट जाना है, बट देखिए एज ए टूरिस्ट किस तरह से जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर भाई मैंने यहाँ पर आपको बताया नहीं तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो एज ए टूरिस्ट चले जाएंगे, फिर वहाँ पर इमिग्रेशन क्लियर नहीं हो पाएगा। और अगर आप लोग एज ए टूरिस्ट इस कंट्री में जाते हो तो देखिए इमिग्रेशन थोड़ा क्लियर करना पड़ता है, और इमिग्रेशन जो है देखिए ईजी नहीं होता। आप लोगों को मैं बताऊँ, देखिए इमिग्रेशन जो है जैसे रशिया का इमिग्रेशन है तो थोड़ा हार्ड है वहाँ का इमिग्रेशन क्लियर करना, तो सेम उसी तरह का सर्बिया के लिए भी है।
तो आपको एज ए टूरिस्ट इस कंट्री में जाना है। बट देखिए, जिनके पास फ्रेश पासपोर्ट है तो पहले अगर वो दो तीन और फ्री वीज़ा कंट्री में घूम ले, जैसे थाईलैंड हुआ और श्रीलंका हुआ, ऐसे आसपास की कंट्री में आप घूम ले तो और ज़्यादा अच्छा है। और देखिए, अगर आप लोग नहीं घूमना चाहते, आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला जो काम आपको ये करना है, आपको फ़्लाइट टिकट्स बुक करने हैं। और फ़्लाइट टिकट जो बुक करने हैं वो आपको मैं यहाँ पर बताऊँ। देखिए, आपको दो फ्लाइट टिकट बुक करने हैं। फर्स्ट तो आपका देखिए इंडिया से सर्बिया के लिए फ़्लाइट टिकट रहेगा, और जो हमारे देखिए इंडिया से सर्बिया का फ़्लाइट टिकट का प्राइस है वो लगभग 18 to 20,000 रुपीज़ के बराबर है। तो आप एक फ़्लाइट टिकट इंडिया से सर्बिया के लिए बुक कर लीजिए। देन आपको एक जो फ़्लाइट टिकट बुक करना है वो करना है सर्बिया से इंडिया का, ठीक है? यानी एक आपको रिटर्न फ़्लाइट टिकट बुक करना है। ये दो पॉइंट हो गए, यानी आपको एक पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको दो फ़्लाइट टिकट की ज़रूरत पड़ेगी इंडिया से सर्बिया की, और फिर सर्बिया से इंडिया के रिटर्न टिकट की। तो ये दो पॉइंट आपको सबसे पहले देखो ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें इस कंट्री में एज ए टूरिस्ट जाना है, तो हमें देखिए फ़्लाइट टिकट बुक कर लेने हैं। उसके बाद में हमें करने हैं होटल्स बुक, यानी आप जैसे 7 दिन के लिए इस कंट्री में जा रहे हैं, 10 दिन के लिए इस कंट्री में जा रहे हैं, तो आपको होटल्स बुक करने हैं। यानी आप आज इस होटल में रहेंगे, आप आज उस होटल में रहेंगे, देन आपको कन्फर्म देखिए बुकिंग अपने पास रखनी है कि हाँ मेरे पास इस होटल की कन्फर्म बुकिंग है, और आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है अपने बैग्स में। तो ये दो तीन काम हो गए, यानी आपको फ़्लाइट टिकट्स बुक करने हैं, होटल्स बुक करने हैं, देन उसके बाद में आपको अपने अकाउंट में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए देखिए डाल कर रखना है। और ये पैसा आपको लगभग 1 से 2 महीने पहले ही डालना है, ताकि आप देखिए बैंक स्टेटमेंट अपना शो कर सको कि हाँ भाई मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है। तो पैसा भी आपको थोड़ा सा अपने अकाउंट में डाल कर रखना है। देन आप जब इंडिया से सर्बिया जाएंगे, तो आपको अपने पास देखो कम से कम लगभग 15 से 20 या 30 हज़ार रुपये रखने हैं। और ये जो पैसा रहेगा आपको इंडियन रुपीज़ में नहीं रखना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप देखिए US डॉलर अपने पास रख कर जाएँ। अगर आपके पास में अमेरिकन डॉलर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब आपको अमेरिकन डॉलर किस तरह से मिलेंगे, अगर आप लोग इंडिया से सर्बिया जाओ तो आप दिल्ली या मुंबई के एयरपोर्ट पर इजीली देखिए US डॉलर ले सकते हैं, वहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है पैसा, या फिर आप सर्बिया जाकर वहाँ पर भी एक्सचेंज कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिया से ही एक्सचेंज करके जाएँ, तो आपको अपने साथ थोड़ा पैसा कैश भी लेकर जाना है। तो ये दो तीन काम आपको जस्ट करने हैं, कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में देखिए, जब हम इंडिया से सर्बिया जाएंगे, तो आपको देखिए क्या तो फ़्लाइट में या फिर आप जब एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहाँ पर देखिए एक फॉर्म मिलेगा आपको, वो फॉर्म फिलअप करना है और उसमें सारी डिटेल्स भरनी है। देन आपको देखो जो इमिग्रेशन ऑफिसर रहेगा सर्बिया के एयरपोर्ट पर, वो जब सवाल पूछेगा, दो तीन सवाल पूछता है कि आप यहाँ पर क्या करना है, तो आपको सिंपली बोलना है कि हाँ भाई मैं एज ए टूरिस्ट आया हूँ। और वो पूछेगी कि आप कहाँ कहाँ जाने वाले हो, कहाँ कहाँ पर रह रहे हो, मतलब किस किस जगह आपका प्लान है, कहाँ कहाँ विजिट करोगे, तो आपको नॉर्मल बता देना कि हाँ भाई मैं एज ए टूरिस्ट आया हूँ, मैं 7 या 8 दिन सर्बिया में रहूँगा और मैं इस जगह जाकर घूमने वाला हूँ और उसके बाद मैं इंडिया वापस आ जाऊँगा। तो ये दो तीन से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना ज़्यादा भी मतलब भाई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा एक छोटा सा प्रोसेस होता है, देन वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, और आप में से भाई हर कोई इस कंट्री में जाकर काम कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे इंडियंस ऐसे हैं जब उन्होंने अपने बिजनेस शुरू कर लिए वहाँ पर, तो जो जॉब है देखिए काफ़ी इजीली इस कंट्री में मिल जाती है, जैसे टेक्नीशियंस के लिए, क्लीनर्स के लिए, और प्लम्बर और वेल्डर, ये जो भी वहाँ पर काफ़ी इजीली मिल जाती है। ड्राइवर्स के लिए भी जॉब इस कंट्री में काफ़ी इजीली मिल जाती है। तो ये छोटा सा एक प्रोसेस है और कंट्री है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप सभी लोगों को दोस्तों देखिए, अगर फ्री वीज़ा चाहिए और काफ़ी जल्द चाहिए, तो आप इस कंट्री में जा सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, और जिन लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।